हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त सयान, आ गया हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे क्वैत की चार बड़ी अपडेट, तो वो कौन कौन सा अपडेट होगा सारा कुछ आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। ओके, सबसे पहले बात करते हैं क्वैत की सबसे पहली अपडेट। तो सबसे पहली अपडेट के अंदर ये है कि क्वैत के अंदर 16 दिन के बाद पहला डेथ हुआ है कोरोना के वजह से। मैं आपको बता दूं, 15 दिन तक कोई भी ऐसा डेथ नहीं हुआ था कोविड की वजह से, और बहुत सारा जो है केस वो कम हो गया था। आज का जो टोटल केस है वो 22 है, मतलब 22 केस है कोरोना का, और आज 15 दिन बाद कोविड की वजह से पहला डेथ हुआ है कुवैत के अंदर। ओके, चलिए बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट के अंदर ये है कि कुवैत के अंदर जितना भी फ्लाइट है सारा फ्लाइट का जो प्राइस है वो बहुत कम हो गया हुआ है। 10 से 15 हजार रुपया इंडिया से भी हो चुका है। अगर आप बात करें दुबई से, तो दुबई से 8 हजार से लेकर 10 हजार तक का रेट हो चुका है। आपको कौन सा एयरलाइन और कौन से एयरपोर्ट से आपको फ्लाइट चाहिए कुवैत के लिए, आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। जो अगला वीडियो आने वाला है वो इंडिया से कुवैत जाने के लिए जो सबसे सस्ता फ्लाइट होगा वो कौन सा एयरलाइन होगा और कौन से डेट को होगा, आपको पता चलेगा आने वाले वीडियो के अंदर। अगर आप इंडिया से बाहर के हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या एशिया के कहीं से भी हैं, तो वहां से आपको कितना प्राइस लगेगा कुवैत में आने के लिए फ्लाइट का, वो सारा डिटेल मैं आपको आपके कमेंट के ऊपर आंसर कर दूंगा। तो आप अपने एयरपोर्ट का नाम जरूर मेंशन करें कमेंट में, चाहे आप एशिया में कहीं से भी हो या इंडिया से हो, पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं से भी हो, जल्दी से आप अपने एयरपोर्ट का नाम मेंशन करें और स्टेट का नाम मेंशन करें कमेंट के अंदर में। मैं आपको बताऊंगा कुवैत के आने वाला जो फ्लाइट होगा वो कौन से डेट को होगा और कौन सा सस्ता फ्लाइट होगा आपके लिए। ओके, चलिए बात करते हैं कुवैत की तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट के अंदर यह है कि फायर डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले वर्कर को कस्टडी के अंदर लिया गया है। कस्टडी के अंदर इसलिए लिया गया है क्योंकि जो फायर डिपार्टमेंट के अंदर वर्कर हैं उन्होंने कुवैत के अंदर 2 मिलियन का एम्बेजलिंग किया। एम्बेजलिंग मतलब होता है गबन करना या फिर घोटाला करना। मतलब 2 मिलियन ये होता है 20 लाख दिनार। 20 लाख दिनार जो है वो फायर डिपार्टमेंट के कुछ वर्कर है उन्होंने घपला किया है 20 लाख दिनार, इसलिए इनको कस्टडी के अंदर लिया गया है और पूछताछ किया जा रहा है। इस पे आने वाले टाइम में क्या अपडेट आएगा आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। ये जो अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से दिया गया है। ओके, तो चलिए बात करते हैं कुवैत की चौथी अपडेट के बारे में। तो चौथी अपडेट के अंदर ये है कि कुवैत 60 प्लस एज ग्रुप के ऊपर वीजा के ऊपर एक और नया अपडेट आ गया है। वो अपडेट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के जो लीडर है जिनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल सलमान, इन्होंने फिर से कहा है फतवा एंड लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट को कि आप प्लीज इस पे कोई फैसला दे दे जो भी 60 प्लस एज वाले ग्रुप है उनके वीजा के ऊपर। कल के वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फातवा एंड लेजिस्लेशन जो है वो कॉमर्स के जो लीडर हैं, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो लीडर हैं अब्दुल्ला अल सलमान, उनको कहा था कि इस पे कोई ना कोई जल्दी फैसला दे 60 प्लस एज ग्रुप के ऊपर। लेकिन आज जो डॉक्टर सलमान ने इंटरव्यू दिया है उसके दौरान उन्होंने कहा है कि सबसे पहले फातवा एंड लेजिस्लेशन जो डिपार्टमेंट है वो अपना फैसला दे दे कि जो 60 प्लस एज ग्रुप का जो वीजा है उसको रिन्यूअल के लिए 500 दिनार और साथ ही साथ 500 से 700 KD प्राइवेट इंश्योरेंस जो लगेगा क्या वो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, इस पे पहले फातवा एंड लेजिस्लेशन अपना फैसला दे, अपना अप्रूवल दे, उसके बाद कुवैत कैबिनेट इस पे फैसला लेगी। जिन लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूं कि 700 केडी का जो इंश्योरेंस है प्राइवेट इंश्योरेंस और वीजा रिन्यूअल के लिए 60 प्लस एज का जो 500 दिनार रखा गया था, ये जो कानून बन के आया था कुवैत कैबिनेट की तरफ से, इसको सबसे पहले फातवा एंड लेजिस्लेशन ने ही रिजेक्ट किया था। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि कोई भी डिपार्टमेंट इस पे सही से फैसला नहीं दे रही है, चाहे वो कॉमर्स इंडस्ट्री हो या फिर फातवा एंड लेजिस्लेशन कंपनी हो या फिर जितना भी वीजा के ऊपर डिपार्टमेंट है, कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी डिपार्टमेंट इस पे कोई भी लीगली फैसला अभी तक नहीं दे पाई है। अभी तक बस एक दूसरे पे टालते जा रही है लेकिन अभी तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है इसके ऊपर। डॉक्टर अब्दुल्ला सलमान ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर में इसका जो भी फैसला होगा वो आ जाएगा सब लोगों के सामने। अब देखते हैं कि इस पे क्या फैसला आता है, आप सबको आने वाले वीडियो में पता चलेगा। और अगर आपको वीजे के ऊपर फुल डिटेल चाहिए, 18 नंबर या 20 नंबर या फिर जितने भी टाइप का वीजा है कंपनी का वीजा कुवैत के अंदर, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। उस वीडियो का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको पता चलेगा कि कब वीजा ओपन हो रहा है सारा, कब वीजा नहीं ओपन हो रहा है सारा डिटेल उसके अंदर आपको मिलेगा। तो उस वीडियो को जाके आप जल्दी से देख ले। और अगर आप कुवैत को लेकर अपडेट रहना चाहते हैं हमारे साथ, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। मैं मिलूंगा फिर से आपके साथ एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं कुवैत जो अपडेट। थैंक यू।